संगीत साहू, वेलकम टू स्टूडेंट टीवी न्यूज चैनल। आज मैं 24 सितंबर से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुई है। खबरें सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए हैं। साथ साथ आपको बता दें, अगर आप मेरी ये खबरें डेली देख रहे हैं तो इससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको निश्चय ही हेल्प मिलेगी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आज की अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। हाल ही में 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, 23 सितंबर को दुनिया भर में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की शुरुआत कब से हुई? तो आपको बता दें, इसकी शुरुआत 2018 में बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के हिस्से के रूप में पहली बार मनाया गया था। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम क्या है? आपको बता दें, इस बार थीम वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स है, जिसका हिंदी अर्थ होगा हम मानव अधिकार के लिए हस्ताक्षर करते हैं। इसी के साथ एक नज़र डालते हैं सितंबर मंथ के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। आपको बता दें, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है, 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई डे मनाया जाता है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक डे मनाया जाता है, 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, 13 सितंबर को विश्व भाईचारा और क्षमा दान दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 22 सितंबर को कौन सा डे मनाया गया था। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह अवार्ड SDSN यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बांग्लादेश में स्थित प्रगति के लिए SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें, SDSN यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की स्थापना 2012 में हुई थी। यहाँ पर हम बात कर रहे थे बांग्लादेश की, तो आइए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद हैं। अब सवाल उठता है कि सितंबर मंथ में और भी अवार्ड दिए गए थे? जवाब होगा जी हाँ। तो आइए एक नज़र उस पर भी डालते हैं। लेखक सवराना राय ने टाइम्स एक्सीलेंट अवार्ड 2021 जीता है। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड एलेजांद्रो प्रीतो ने जीता है। अवार्ड से जुड़ी बात करें तो INS हंस को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। पटना के सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। गौतम अडानी को रामकृष्ण बाजार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की है। आइए जानते हैं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम होता क्या है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एक सिंगल विंडो पोर्टल है जो सरकार से आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों या उद्यमियों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा।
यहाँ पर भारत में निवेशकों, उद्यमियों और व्यवसायों के लिए आवश्यक अनुमोदन और पंजीकरण के लिए सरकारी कार्यालयों में चलने की विरासत से मुक्ति देगा। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी चौथी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में असम राज्य के कामरूप जिले के छैगांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके तहत चाय बागान में एक छत के नीचे रेल और बंदरगाह कनेक्टिविटी, कार्गो और गोदान सुविधाएं, चाय पीसने, पैकेजिंग और अन्य उपयोगिता सेवाएं जैसे प्रसंस्करण सुविधा प्रदान की जाएंगी। अच्छा, अगर आपको याद हो तो कल मैंने पार्क से जुड़ी एक और जानकारी दी थी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित किया है। यहाँ पर हमने असम राज्य की बात की है। असम की कैपिटल दिसपुर है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम में ही नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क है। आपको बता दें, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी पांचवी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में पंकज अडवाणी ने दोहा में 24वां विश्व खिताब जीता है। आपको बता दें, भारतीय स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान के बाबर मसीह को हराकर 24वां विश्व खिताब जीता है। यहां पर आपको बता दें, अभी पिछले हफ्ते पंकज अडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का भी खिताब जीता था। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में तमिलनाडु और पुंडुचेरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह एक इंटरनेशनल इको लेवल टैग है जो तमिलनाडु को कोवलम समुद्र तट और पुडुचेरी के ईडन समुद्र तट को दिया गया है। इस प्रकार इन दोनों को मिलाकर अब देश में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीचों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे तमिलनाडु की, तो आइए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, गवर्नर रविंद्र नारायण रवि हैं, सीएम एमके स्टालिन हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी आठवीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में लद्दाख के लेह में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण शुरू हो गया है। आपको बता दें, यह संस्करण 24 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा। यहाँ पर लद्दाख की बात हुई है, तो आइए लद्दाख के बारे में जानते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। लद्दाख में ही हेमिस नेशनल पार्क भी है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी नौवीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे। यहां पर हम अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करें तो इनकी दो बुक इम्पॉर्टेंट है, पहली प्रॉमिस मी डैड, दूसरी प्रॉमिस टू कीप। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी दसवीं और अंतिम बड़ी खबर की ओर। हाल ही में फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है। आपको बता दें, राजीव अग्रवाल एक पूर्व आईएएस अधिकारी है और यह अंकी दास की जगह लेंगे। यहां पर हमने फेसबुक की बात की है, तो आइए फेसबुक के बारे में जान। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई, मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।